आइए अब हम देखते हैं इनकी कुछ लाभ और इनकी कुछ हानियाँ। आइए अब हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों से होने वाले कुछ लाभों की चर्चा करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ बिंदु आपको दिख रहे हैं। इसमें पहला बिंदु कहता है कि विदेशी विनियोग में वृद्धि, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या होता है जब कोई कंपनी जो है विभिन्न देशों में अपना प्रसार करती है, विस्तार करती है, स्थापित होती है, तो उस स्थिति में क्या करती है, वो वहाँ पर व्यवसाय करती है। और जब व्यवसाय करती है तो जब कुछ अर्निंग होती है या जो व्यवसाय से आय जनरेट करती है उसको क्या करती है, अपने देश में लाती है और अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। वहाँ से आय क्या लाती है, अपने देशों में लाती है। तो कोई भी व्यवसाय यह चाहता है कि उसके देश में विदेशी पूंजी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, जिससे क्या होगा, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होगा या विदेशी पूंजी का विनियोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि वहाँ से उन्होंने जो करेंसी लाई है वो एक विदेशी करेंसी है। ठीक है, मान लीजिए हमारे देश में रुपया चलता है, लेकिन अगर हम US में से बिजनेस करके अगर वहाँ की करेंसी ला रहे हैं डॉलर, तो डॉलर का जो वैल्यू है वो रुपीज़ के मुकाबले ज़्यादा है। तो क्या हुआ, जब विदेशी पूंजी आई तो उस स्थिति में क्या हुई, हमारी जो देश की स्थिति है, देश की इकोनॉमी है, वो स्ट्रांग होती है। तो पहला जो लाभ है वो यही कहता है कि विदेशी विनियोग में वृद्धि करता है। दूसरा बिंदु है रोज़गार में वृद्धि, इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। अभी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि रोज़गार के साधन उपलब्ध कराती हैं। अब जब ये रोज़गार उपलब्ध कराती हैं, जो जिस देश में ये विकास विस्तार कर रही हैं वे क्या करती हैं, उन्हीं देश में से इम्प्लॉयज़ को हायर करती है या उनको क्या करते हैं, इम्प्लॉयमेंट देती है या रोज़गार देती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों को या उन देश के लोगों को रोज़गार के साथ साथ क्या मिलता है, अपने आप को ग्रोथ करने का, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। इसके साथ वो अपने दैनिक जीवन के अर्जन के लिए जो वित्त आवश्यक है या जो पूंजी आवश्यक है उसको वहाँ से लेते हैं कंपनियों में काम करके, और साथ ही साथ उनका जो जीवन जीने का स्तर है वो भी बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ये लोग अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले लाभ की तरफ। अगला लाभ कहता है कि साधनों का उचित उपयोग, यानी प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब हम यहाँ पे कौन से साधनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो साधनों की बात कर रहे हैं, मानवीय और प्राकृतिक दोनों। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं ये इन दोनों साधनों का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती हैं। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स या मानवीय जो साधन हैं उनको देखें, तो वह यह देखते हैं उनके प्रबंध के लोग कि ये जो मानव हम यूज़ करना चाह रहे हैं हमें क्यों चाहिए। अगर लेबर कैटेगरी के लिए चाहिए तो लेबर्स, अगर मैनेजरियल के लिए चाहिए तो मैनेजर्स, अगर हाई लेवल के लिए चाहिए तो उस लेवल के लिए मैनेजर्स। तो उनकी क्वालिफिकेशंस, उनका बैकग्राउंड, उनका एक्सपीरियंस, उनका रिसर्च वर्क, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद ही क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, उन साधनों को लेते हैं और उनका प्रॉपर यूज़ करते हैं। और यही हम प्राकृतिक या भौतिक साधनों की बात करें तो ये क्या करते हैं कि जिस देश में काम कर रहे हैं उन जो साधन हैं उनका उपयोग करके वहीं पर उत्पादन कार्य करते हैं और उस उत्पादन कार्य से जो उत्पाद होता है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और साथ ही साथ सेल करते हैं या उनका विक्रय कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने तीसरा लाभ समझा जो कहता है कि साधन का उचित उपयोग। चौथा लाभ कहता है तकनीकी विकास, यानी टेक्निकल डेवलपमेंट। अब यदि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है कि टेक्निकली स्ट्रांग हो जाती है, तो ये जो लाभ है वो दूसरे देशों को भी पहुंचाती है। पांचवा जो लाभ कहता है वो है स्थानीय एकाधिकार की समाप्ति, यानी एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। जैसे कि मैंने एकाधिकार की बात समझाई थी, तो मोनोपोली क्या हो सकती है, जब मार्केट में किसी एक उत्पाद को लेकर के एक या दो व्यवसायी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने उत्पाद को ऊंची कीमतों पर बेचेंगे। इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो वो अपने उत्पाद को ऊंची कीमतों पर बेचेंगे, दूसरे उनके जो उत्पाद की क्वालिटी होगी, या तो वो
अच्छी हो भी सकती है, नहीं तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को न मेंटेन करे, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आती हैं तो उस वजह से क्या होता है कि स्थानीय एकाधिकार समाप्त हो जाता है। उस स्थिति में क्या होता है जो है मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है तो सभी जितने भी व्यवसायी हैं उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ता है, साथ ही साथ जो उनका प्राइस होना चाहिए, उनकी कीमत होनी चाहिए वो रीज़नेबल होना चाहिए, मतलब उचित मूल्यों पर वस्तुओं को बेचना चाहिए। मैंने कहा कि कंपटीशन का अर्थ होता है प्रतियोगिता। तो जैसे ही मार्केट में प्रतियोगिता चालू होगी वैसे ही क्या हो जाएगा, जो व्यवसायी हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से, जो जो मोनोपोली को अभी तक या एकाधिकार को अभी तक इंजॉय कर रहे थे, वो लोग क्या करेंगे, दो चीज़ें करेंगे, अपने जो उत्पाद है उसकी क्वालिटी को अच्छा करेंगे, और दूसरी चीज़ वो क्या करेंगे, दूसरी चीज़ ये करेंगे कि अपने उत्पाद को रीज़नेबल प्राइस में या उचित कीमतों पर उनका विक्रय करेंगे। और इससे होगा भी ये कि वहाँ पर जो होता है स्थानीय एकाधिकार की समाप्ति हो जाती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु कहता है प्रबंधकीय विकास यानी मैनेजरियल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं वो विकसित प्रबंधकीय जो क्षेत्र हैं उसको उपयोग में लाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हर रोज़ नया जो है प्रबंधन आ रहा है या प्रबंध का तरीका आ रहा है, उसको क्या करते हैं अपने प्रबंध में क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। अगर इस तरह का कोई रिसर्च वर्क आ रहा है या इस तरह की कोई नई पद्धति आई है तो उसको अपने आप में समाहित करते हैं अपने प्रबंधन में, और उन नवीन प्रबंधकीय व्यवस्थाओं को या पद्धतियों को उपयोग में लाते हैं, जिससे कि क्या होता है और अच्छे तरीके से वह अपने ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का प्रबंधन कर सकें, अपने जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने इस तरह के कंपनियों की स्थापना की है उन उद्देश्यों को पूरा कर सकें। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। कहता है निर्यात में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब क्या होता है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं उनके आने से क्या हुआ कि अनेक स्थानीय उद्यमी क्या हुए, प्रभावित हुए, और उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी बड़ी बड़ी कंपनियों को स्थापना करने का चालू किया। जैसे कि आप हमारे देश में ही देख सकते हैं ऐसे कई बड़े बड़े उद्यमी हैं जो कि हमारे देश में क्या है, बहुत सारी कंपनीज के मालिक हैं। जैसे रिलायंस के ही मालिक देख सकते हैं आप, इसके अलावा टाटा के भी देख सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं, साथ ही साथ ये हमारे देश में भी बहुत अच्छे लेवल पर क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभों को देखा, आइए अब उनकी कुछ हानियां देखते हैं या डीमेरिट्स को देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो पहला डीमेरिट दिख रहा है, घरेलू उद्योगों को खतरा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये जो खतरा या हानियां या डीमेरिट्स का जो सामना करना पड़ता है, ये जो होता है वो मेज़बान देश को करना पड़ता है। मतलब जिन देशों में उस संगठन की या उस कंपनी की ब्रांचेस या शाखाएं उत्पन्न होंगी उन देश को मेज़बान देश कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये जो देश होते हैं इन देशों को क्या करना पड़ता है, इन हानियों का सामना करना पड़ता है। हेडक्वार्टर्स वाले देशों को नहीं या उन देशों को नहीं जहां पर उनका पंजीयन हुआ है, उनको इन हानियों का सामना नहीं करना पड़ता। किन को सामना करना पड़ता है, मेज़बान देशों को इन हानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बताया, पहला पॉइंट है घरेलू उद्योगों को खतरा, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। अब क्या होता है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जब देशों में आती हैं और व्यवसाय करने लगती हैं, वहाँ वो विकास करती हैं, अपने व्यवसाय का विस्तार करती हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, चूँकि उनके पास बहुत पूंजी होती है, अच्छे संसाधन होते हैं, तो उनके प्रोडक्ट का क्वालिटी जो हम बोलते हैं उत्पाद में जो गुण होते हैं वो भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है,
जो उस देश में छोटे उद्योग हैं जो उन वस्तुओं का निर्माण कार्य कर रहे थे और अभी तक वहाँ व्यवसाय अपना चला रहे थे, उनका व्यवसाय या तो खत्म होने कर पाता है या उनको उनके व्यवसाय में हानि होने लग जाती है, जो कि इसका पहला बिंदु था कि घरेलू उद्योगों को खतरा होने लग जाता है। आगे चलते हैं अगले हानि की तरफ। कहती है लाभों की गृह देश में वापसी, यानी रिप्टेशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें क्या होता है कि विनिमय कोष पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब क्या हो रहा है, यहाँ मान लीजिए भारत देश की कंपनी है, वो दूसरे देशों में जाकर के व्यवसाय कर रही है, वहाँ से वो पैसे क्या लेके आएगी, मतलब विदेशी पूंजी को अपने घर, मतलब हमारे देश लेके आएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, उनका जो कोष होगा उस पर बुरा असर पड़ेगा, जो कि इसका दूसरा पॉइंट है, लाभों के गृह देश में वापसी। तो ये इसका दूसरा हानि है। तीसरी हानि की ओर बढ़ते हैं। तीसरी हानि कहती है स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप। अब इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरवेंशंस इन लोकल पॉलिटिक्स। अब कैसे हो सकता, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं वे स्पेशली उन देशों में अपना ब्रांचेस ओपन करती हैं जो कि विकासशील हैं, ठीक है, या अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं। तो वो क्या करती हैं, पहले शुरू में इन पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, वो लोकल पॉलिटिक्स पे अपना हस्तक्षेप करने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे अपना सत्ता जमाने की कोशिश करते हैं, जो कि इसकी तीसरी हानि थी। हम चौथे हानि की ओर आगे बढ़ते हैं। और चौथी हानि है प्राकृतिक साधनों का शोषण, यानी एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ डिफरेंट या विभिन्न देशों में कार्य कर रही हैं, तो चूंकि वो देश उनका नहीं है, तो कभी कभी इस सोच की वजह से भी वो जो कंपनियाँ हैं वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बुरी तरह शोषण करती हैं और उनको बुरी तरह इस्तेमाल करती हैं। वो ये भी नहीं सोचती कि इस तरीके से इस्तेमाल से प्रकृति को कितना खतरा है और वहाँ रहने वालों को भी। तो इस तरीके से जो मेज़बान देश है उसको प्राकृतिक साधनों का भी खतरा बना रहता है। पांचवा और अंतिम हानि जो हम अब चर्चा करेंगे वो है गरीब लोगों का कोई लाभ नहीं, नो बेनिफिट्स टू पुअर पीपल। जैसे कि मैंने बहुत सारे उदाहरण दिया आपको, जो साबुन अच्छे ब्रांड्स हुए, ठीक है, इसके अलावा चॉकलेट्स आप खाते हैं, डेरी मिल्क, कैडबरी, बहुत सारी ब्रांड्स और भी हैं, बोनविला। इसके अलावा अगर आप देखें मोबाइल के क्षेत्र में या और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के क्षेत्र में, तो क्या दिख रहा है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ और महंगी महंगी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं इनके आने से। तो यही इसका पॉइंट है कि गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता, नो बेनिफिट्स टू पुअर पीपल। अब एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो सकता, अगर एज अ लेबर भी इनको अगर रखते हैं तो सारे गरीबों को तो नहीं रख सकते ना, और दूसरी चीज़ एज अ लेबर वो उनको कितना पे करेंगे। तो यही चीज़ें हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो भी इतना एक्सपेंसिव या महंगा होता है कि वो गरीब खरीद नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्पष्ट करती हैं कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके आने से गरीब लोगों की को कोई भी नहीं लाभ होता। अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जैसे कि हमने अभी तक देखा है कि ये जो है अल्प विकसित और विकासशील देशों में अपनी स्थापना करते हैं, अपना विकास करते हैं तथा अपना विस्तार करते हैं। अगर कोई मेज़बान देश अपने आप को इन हानियों से बचाना चाहता है तो उनके लिए कुछ सुझाव हैं, ताकि वो उन स्थापना करने से पहले उन कंपनियों के लिए कुछ शर्तें रखें। आइए उन सुझावों को देखते हैं कि वो सुझाव क्या क्या हैं। वो कंपनियां क्या कर सकती हैं, उनको स्थापना से पहले उस देश की जो सरकार है वो इस तरह का उन पर नियम लगाए या स्थापना तभी करने दे कि वो जो संपूर्ण लाभ है वो अपने साथ वापस अपने देश ना लेके जाए। स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करने से रोके, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग करें, इनका ध्यान दें,
इसके अलावा गरीब लोगों के उपभोगों के लिए भी कुछ वस्तुओं का निर्माण करें और उन्हें कम कीमत पर विक्रय करें उन्हें, और साथ ही साथ मेज़बान देश को वित्तीय रूप से सहायता करें ताकि वह भी आगे बढ़े और अपना विकास करे। साथ ही साथ अपने देश में भी ऐसी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां का निर्माण करें जो दूसरे देश में जाकर के व्यवसाय करें। तो बच्चों, इस तरीके से हमने जो है बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके कॉन्सेप्ट को जाना, उनके विशेषताओं को जाना, उनसे होने वाले लाभों को जाना और मेज़बान देश को उनसे क्या हानियां होती हैं उनको जाना। आइए अब हम एक और कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि वह क्या है। जॉइंट वेंचर, ये बहुत ही कॉमन सा शब्द है जो आप लोगों ने सुना होगा। इसे हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त उपक्रम। इसमें क्या होता है, दो जो उपक्रम होते हैं या हम कह सकते हैं दो व्यावसायिक उपक्रम सामूहिक उद्देश्य और आपसी हितों की प्राप्ति के लिए ये क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं। और इससे क्या होता है, एक जो है इस संयुक्त उपक्रम का जन्म होता है या हम कह सकते हैं इस संयुक्त साहस का जन्म होता है। ये जो जॉइंट वेंचर होता है पूरी तरह वैधानिक रूप से किया जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये जॉइंट वेंचर में किस तरीके के उपक्रम आ सकते हैं, इनमें निजी, शासकीय और साथ साथ विदेशी कंपनियां भी इस जॉइंट वेंचर्स में आ सकती हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए जो हम बात कर रहे हैं संयुक्त उपक्रम, उसमें अगर स्थापना करनी है तो किस तरीके से करेंगे, इसमें होगा ये कि जो घरेलू उद्यमी हैं, मतलब उस देश में जो व्यवसाय या उद्योग चलाने वाले व्यवसायी है वो, और विदेशी उद्यमी यानी मल्टीनेशनल कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो दोनों क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर में आने के बाद यानी संयुक्त उपक्रम में आने के बाद वो नई जो कंपनी बनेगी उसका जो स्वामित्व है और साथ ही साथ प्रबंध यानी मैनेजमेंट उसमें दोनों में भागीदारी रखेंगे। और एक चीज़ और होती है इसमें कि जो आयातक देश की कंपनी के साथ मिलकर ये व्यवसाय किए जाते हैं। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट था वो जॉइंट वेंचर का। अब सवाल ये उठता है कि संयुक्त उपक्रम कब स्थापित किए जा सकते हैं। तो जब विदेशों में नए उपक्रम स्थापित करने हो तब स्थापित किए जा सकते हैं, स्थानीय कंपनियों में निवेश करना हो तब स्थापित करने जा सकते हैं, इसके अलावा किसी विदेशी कंपनी में जो पहले से स्थापित हो और हमें और हित चाहिए तब ये स्थापित किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपने देश में जॉइंट वेंचर जब स्थापित करना है तो उसकी रीज़न क्या हो सकते हैं। अगर उत्पादन की सुविधा और विक्रय के जाल का लाभ उठाना है तो जॉइंट वेंचर किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर विदेशी पूंजी के निवेश पर कर का लाभ उठाना है तो अपने देश में भी जॉइंट वेंचर किए जा सकते हैं। अपने देश में हमने जान लिया कि जॉइंट वेंचर कैसे कर सकते हैं। अगर हम अब विदेशी या संयुक्त उपक्रम अपने देश के बाहर अगर करना है तो विदेश में करना है तो स्थापित, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। अगर विदेशी उत्पादन व सेवा क्रियाओं का विस्तार करना है तो, कच्चे माल की आपूर्ति में विस्तार करना है तो, देश की आर्थिक विकास की गति बढ़ाना है इसलिए भी किया जा सकता है, देश और विदेशी साझेदारों के हितों में संबंध कराने के लिए किया जा सकता है और साथ ही साथ विदेशी बाजार में पहचान बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने जो है संयुक्त उपक्रम के कॉन्सेप्ट को जानना कि ये कब किया जा सकता है, क्यों किया जाता है, अपने देश में क्यों किया जाएगा और जो है अपने देश के बाहर भी क्यों किया जा सकता है। आइए अब हम इसकी कुछ उद्देश्य या लाभ देखते हैं कि इससे पूरे होने वाले उद्देश्य या लाभ क्या हैं। जो पहली बात आती है लाभ की या उद्देश्य की, वो कहता है विदेशी बाजार में आसानी से प्रवेश मिलता है। यदि कोई उद्यमी जो है वो पूंजी, उसके पास पूंजी की कमी है, साथ ही साथ मानवीय संसाधन की भी कमी है, तो वो क्या कर सकता है, वह
जो है जॉइंट वेंचर में किसी कंपनी के साथ आ सकता है और अपनी इन कमियों को दूर करते हुए वो क्या कर सकता है, विदेशी बाज़ार में अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है। दूसरा लाभ कहता है कि जोखिम में न्यूनता। जोखिम में न्यूनता कैसी आएगी, जो भी प्रॉफिट होगा वो भी दोनों में शेयर होगा, जो भी लॉस होगा वो भी दोनों में शेयर होगा। लेकिन जैसे ही हम विदेशी व्यवसाय की बात करते हैं तो जब हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं या विनियोग करते हैं तो वहाँ पर करने के बाद जिस दूसरे व्यवसाय के साथ हमने संयुक्त साहस किया है वो क्या करेगा, अपनी पूंजी और अपने मानवीय रिसोर्सेस यानी संसाधन को लगाएगा और उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होता है, जोखिम में भी कमी आ जाती है। फिर आती है बात तकनीकी लाभ की। अब क्या होता है, जब संयुक्त साहस को जलाया जाता है तो नवीन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रबंध के संचालन एवं नियंत्रण का भी कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जो कि तकनीकी लाभ के अंदर समझते हैं। अगला लाभ होता है प्रतियोगी ताकत। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे देश के व्यवसायी व्यवसाय कर रहे हैं, तो जब जॉइंट वेंचर में कोई व्यवसाय आता है तो वो और शक्तिशाली हो जाता है और ऐसे व्यवसायी जो अलग रूप से छिन्न भिन्न होकर या अलग होकर के प्रतियोगी के रूप में आते हैं उनके सामने ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है, तो इनकी जो ताकत होती है अपनी प्रतियोगी के सामने ताकत इनकी ज़्यादा होती है। अंतिम उद्देश्य लाभ की बात करते हैं तो अंतिम उद्देश्य कहता है कि लागतों में कमी। तो इनमें जब ये जॉइंट वेंचर में व्यवसाय आते हैं या व्यवसायी आते हैं तो क्या होता है कि ये संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे से मिलने वाले, और इससे क्या होता है उनमें जो उत्पादन का जो कॉस्ट होता है या उत्पादन करने में जो पूंजी लगी है या लगने वाली है उसमें कमी आ जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इनमें लागतों में कमी भी आती है। तो ये तो हुए बच्चों संयुक्त उपक्रम के लाभ। अब संयुक्त उपक्रम कितने प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं। संयुक्त उपक्रम जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है लाइसेंसिंग, दूसरा है सहायता प्रदान करना यानी सब्सिडाइजिंग, और तीसरा है फ्रेंचाइजिंग। पहला हम देखते हैं लाइसेंसिंग क्या है। लाइसेंसिंग में क्या होता है, जो स्थानीय कह सकते हैं व्यवसायी होता है या स्थानीय फर्म होते हैं वो विदेशी फर्म को अपना ट्रेडमार्क साथ ही साथ तकनीकी अधिकार शुल्क उसको भी क्या करते हैं कुछ पैसों को देकर कुछ पैसों को लेकर के उनको दे देते हैं उनका उपयोग करने के लिए, और वे जो स्थानीय फर्म होती है वो क्या करती हैं उत्पादन प्रबंध और मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी स्वयं पर लेती हैं। सहायता प्रदान करना यानी सब्सिडाइजिंग को समझें तो सब्सिडाइजिंग में क्या होता है, जो स्थानीय फर्में होती हैं वो उत्पादन प्रबंधन मार्केटिंग जो है वो दूसरे देश में जाके करती हैं। और अब हम फ्रेंचाइजिंग की बात करें तो फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि जो एक मूल ब्रांड है वो अन्य व्यवसायियों को कुछ पैसे लेकर के और कुछ कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनके पूरे अधिकार और उनके एडवर्टाइजिंग का तरीका और उनके संसाधन देते हैं ताकि वो भी आगे व्यवसाय कर सकें। तो बच्चों इस तरीके से जॉइंट वेंचर के थ्रू भी या जॉइंट वेंचर करके या संयुक्त उपक्रम करके भी क्या होता है, बहुत से व्यवसाय आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ इन जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से केवल व्यवसाय ही नहीं देश भी आगे बढ़ रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने संक्षिप्त में जो है संयुक्त उपक्रम को समझा। आशा है आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।